सभी छात्र छात्राओं, आज की इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम इस समय रो शुक सूत्र पर चर्चा प्रस्तुत करने चल रहे हैं। आइए फिर देखते हैं यहाँ पर क्या है रो अशुक, इसका अर्थ क्या होता है। रो शुक का क्या अर्थ है? आहन के ना को रा आदेश होता, सुप परे न रहते। आहन के ना को रा आदेश का सुप परे न रहते। देखिए स्थिति क्या होती है, आहन धन गण स्थिति होती है। आहन धन कहा रहता है, अब इसका उदाहरण आ रहा, आहन धन गणा का उदाहरण आहार गणा। तो पहले ये रूप रहता आहन धन आहा, सूत्र लगता रोशुक से ना को रा कर देता है, कहता सुख परे ना रहते। तो सुख परे कहाँ है, सुख ही नहीं है, तो आप आ है, पर में आ है, सुख नहीं, तो इसलिए ना के ये रा कर दिया। आहन के ना को रा आदेश होता है, सुख परे ना रहते हैं, क्योंकि आहन के ना के रू हो गया, तो क्या होगा, आहन के ना को जब रू हो जाएगा तो क्या आहरू के रू का लोप हो गया, तो क्या आहर धन। यहाँ पर ना के रू हो गया, रू के में ऊ का लोप हो गया, तो ये रा के लग गया, आहर धन आहा, रा आ में मिल गया आहर। ये वाला रूप सिद्ध होगा। आगे चलिए आहन गणा, ये भी वही सूत्र लगेगा, आहन के ना को रादेश सुख पर रहते न हो तब। यहाँ भी देखो सुख नहीं है, इसमें गण का गा है, सुख नहीं है, तो इसलिए इस ना को भी रू हो जाएगा, नहीं रा होता है, रू नहीं रा कर, आहन के ना को रा आदेश, रा गलत नहीं कहा, यहाँ पर रू नहीं, आहन के ना को रा आदेश होता सुख पर रहते। आहन है इसके तो सीधा है, रू हमने बेकार कर दिया, सत्य पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पहुंच गया, तो इसमें तो सीधा कह रहा है रोशुकी आहन के ना को रा आदेश होता सूत्र रहते, तो आहन में ना है इसके रा हो गया, तो क्या होगा आहर धन आहन आहर आहन। इसी प्रकार यहाँ भी क्या आहन है, क्या कहता आहन के ना को रा आदेश सूत्र रहते, यहाँ आहन है इस ना के रा हो गया, तो आहर हो गया धन गणा हो गया आहर गणा, क्योंकि वो सुख पर रहते नहीं है। रोशी स्तंभ एक था दो, दोनों में रोशु सूख से ना को रा होने पर रूप सिद्धि हुई है। छोटा सा वीडियो है, धन्यवाद।